आजकल एक समस्या बहुत चली हुई है कि दांतों में खून आता है, दांतों में पीप आता है, ठंडा गर्म लगता है, मुंह से बदबू आती है, या फिर जो है जार में दर्द होता है, कीड़ा लगा हुआ है। आपके दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, वो सारी की सारी समस्याएं मात्र एक प्रयोग से ठीक हो जाएगी। आपने कोलगेट, पेप्सोडेंट, एंकर, फलाना, धिफरा जितने भी टूथपेस्ट यूज कर लिए हो, सेंसिटिविटी जो होती है, जो झंझनाहट होती है, वो आपकी दूर नहीं हो रही हो, तो उन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये एक नुस्खा काफी है और बड़ा सस्ता है। आपके पूरे परिवार का खर्चा एक महीने का नहीं, एक साल का मुश्किल से 150 रुपये होगा। और 100% जो है आयुर्वेद की पावर है, हमने प्रयोग किया है। बिना प्रयोग किए कोई भी जानकारी आपके साथ हम साझा नहीं करते हैं, और इस नुस्खे का चमत्कारी रिजल्ट है। तो आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे और क्या नुस्खा हम आपको बता देते हैं। आप पंसारी के पास जाइए, 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा और 100 ग्राम आंवला लेकर के आइए। ये है एक आदमी का। आप एक 300 300 ग्राम ले आओ, 300 ग्राम हरड़, 300 ग्राम बहेड़ा, 300 ग्राम आंवला, ये ला करके इनको जो है बीज समेत कूटो। बीज समेत अभी तक मैंने आपको बताया था कि बिना बीज के, लेकिन इसके लिए जो है बीज समेत कूटो। और ये कूटने के बाद, ये अगर 300 ग्राम है तो इसके अंदर 50 ग्राम हल्दी और लगभग 100 ग्राम सेंधा नमक मिला दो। ये सारी सामग्री मिला करके जो है इकट्ठी करके एक शीशे के बर्तन में बंद करके रख दो। फिर आपको करना क्या है, सुबह के समय एक गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच ये चूर्ण डाल दो और उस पानी को एक बार उबाल दें। फिर वो पानी जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उस पानी का एक कुल्ला भर लो, मतलब अपने मुंह को भर लो उस पानी से। और फिर जो है जितनी देर तक आप रोक सको, जबरदस्ती नहीं है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, या फिर आप उसको अपने मुंह के अंदर घुमा भी सकते हो। एक गड़ूस होता है, कवल होता है, एक में ये घुमाना होता है तो भी बराबर काम करेगा, उसमें मुंह पूरा नहीं भरता, और एक में जो है मुंह पूरा भर लेना होता है और जो है वो घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, घुमाया जा नहीं सकता। तो ये प्रयोग जो है आप यूज करना शुरू कर दो, तो मात्र 10 दिन में जो है आपके मुंह से बदबू आना, आपके मुंह से दांतों से खून आना, रेशा आना, पायरिया जैसी यानी दांतों से जुड़ी हुई सब समस्याएं जो है ठीक होने लग जाएंगी, सबकी सब समस्या है। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने जो पानी लिया है वो त्रिफले का है। किसका है? त्रिफले का है, और त्रिफला आयुर्वेद का एक चमत्कारी चूर्ण है। आप ये मत समझना कि त्रिफला ही तो है कि मैं इस पानी को पी जाऊं, ऐसा मत करना, ये गलती मत करना, क्योंकि वो पानी काफी एसिडिक हो जाएगा, उस पानी के अंदर क्षारीयता बिल्कुल नहीं रहेगी। आपके पूरे रात को जो विकार आपके मुंह में इकट्ठे हुए हैं वो शब के शब उस पानी में मिक्स हो जाएंगे, और उस पानी को बाहर फेंकना ही बेहतर है, ना कि पीना, ठीक है। हम आपके साथ ऐसी जानकारी आगे भी साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे जब कोई जानकारी हम आपके साथ साझा करें वो आपको मिल सके। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, ना लगे तो मत करना।